चुनाव आयोग द्वारा 2021 की मतदाता सूची का कार्य शुरू कर दिया गया है। समीक्षा के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में 33 बूथ ऐसे पाए गए हैं जहां वोटरों की संख्या 1400 से अधिक है। इन बूथों को विभाजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसे लेकर सर्वदलीय बैठक जिला शासक पूर्णेंदु कुमार माझी ने की। इस बैठक में टीएमसी के नेता पूर्ण शशि राय, सयंतन मुखर्जी, प्रबोध राय, बीजेपी के तरफ से मदन चौबे, सीपीएम के तरफ से मनोज दत्ता, जबकि कांग्रेस के एसएम मुस्तफा, आरएसपी के आशीष बाग और फावला के भवानी आचार्या आदि मौजूद थे। जिन बूथों को विभाजित करने का प्रस्ताव भेजा गया है उसमें पांडेश्वर की बूथ संख्या 27, दुर्गापुर पूर्व की बूथ संख्या 4 और 213, दुर्गापुर पश्चिम की बूथ संख्या 12, 63, 165, जबकि रानीगंज विधानसभा की बूथ संख्या 10, 85, 86, 87, जामुड़िया विधानसभा की बूथ संख्या 51, आसनसोल दक्षिण के 13, 132, 148, 190, 242, 263, जबकि आसनसोल उत्तर विधानसभा की बूथ संख्या 29, 87, 98, 103, 118, 152, 198, 216 और 280 शामिल है। साथ ही कुल्टी विधानसभा की बूथ संख्या 31, 102, 104, 177 और वहीं बाराबनी विधानसभा की बूथ संख्या 72, 199 तथा 252 बूथ संख्या शामिल है। কিছু বুথ আছে সেগুলো ভাঙা চোরা এইসব ঠিক করতে হবে, ঠিক আছে। যে জায়গায় চারটে দুই বুথ আছে সেগুলো কি করাই আছে, এসব বিষয়ে অল পার্টি আজকে অল পার্টি আগামী দিন কাজ টোটাল ডিসকাস সিলে মে যে যা যা টোটাল ডিসকাস যে প্রবলেম থা নয়া প্রোডাক্ট কর রা ইউনিয়ন আর সব কি के बारे में आज जो तमाम शिकायत था तमाम दल के लोगों ने डीएम साहब को आकर के डीएम साहब को बताया, इलेक्शन सेल डीएम साहब को, और बहुत सा पार्ट जो बूथ है जो 2 किलोमीटर दूरी में था या जो बिल्डिंग बैठने के करीब था उसको नज़दीकी जो स्कूल है उसमें करने का बारे चर्चा हुआ, उसमें एक बहुत सारा हुआ। उसमें एक तो पार्ट रानीगंज का चिमड़िया का 132 नंबर में ऑब्जेक्शन हुआ, उसको नेक्स्ट में बोला कि ठीक है देख लेंगे, उसको भी चेंज कर देगा। इस तरीके से जहाँ जहाँ मतलब चेंज करने वाला था उनको उसमें बातचीत हुआ, और आगामी दिन में आर भी जो अगर कहीं पर ऐसा होगा जो दूरी होगा 2 किलोमीटर दूरी होगा एक वार्ड से दूसरा वार्ड होगा उसके लेकर के भी हम लोग फिर से बैठकर ऑब्जेक्शन करेंगे। और तो आप लोग कांग्रेस की तरफ से कोई डिमांड थी आप लोग की? हम लोग का यही दावी था कि जो लोग आम आदमी बार बार होटल में भरता है जिसका उम्र हो गया है बेचारा बार बार भर रहा है समझ में नहीं आ रहा, उसका लिंक जैसे बाप का कई उम्र 60 बरस है उसका बाप का तो होटल लिस्ट जमा हो गया या नहीं है उनका नहीं आ पा रहा। हम लोग बोले हैं जी को बोले सर ठीक कर बिल वगैरह या पानी नल का कनेक्शन से आपको समझ दे रहा है या फिर जो किसी जो सरकारी होगा वो दे देने से उसका हो जाएगा, क्योंकि आसानी से हो जाता है जो स्कूल का जो छात्र छात्रा है जो 18 बरस या 20 बरस का उनका हो जाता है क्योंकि उनका एडमिट का वजह से तुरंत हो जाता है। अगर आम आदमी जो होटल में काम करता है या ठेला चलाता है रक्षा रखता है उसको डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, बोला कि ठीक है इस पर भी हम लोग देखेंगे। ये हम लोग वैसे मुस्तफ़ा आज मंगलवार 15 सितंबर 2020 को वाम फ्रंट के युवा संगठन जिसमें DYFI, AIYF, RSP तथा फॉरवर्ड ब्लॉक शामिल हैं के यूथ संगठनों ने मिलकर एक साथ 10 सूत्री ज्ञापन पश्चिम बर्धमान के आसनसोल महकमा शासक के पास पेश किया। इसमें राशन कार्ड, स्कूलों में फीस तथा अन्य मुद्दे शामिल हैं। इसमें DYFI के तरफ से अनामिका, AIYF की तरफ से राजू राम तथा सोमनाथ सिन्हा, RYF के तरफ से चंद्रशेखर चौधरी इत्यादि शामिल हुए।
আজকে খিলি আপনার দাবি নিয়েছিলেন আমাদের জেলার যে মূল সমস্যাগুলো রয়েছে আপনারা জানেন যে আমরা একদম মার্চ মাসের 22 তারিখ থেকে আমরা আমাদের জেলার যে বিভিন্ন দপ্তর রেশন দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তর সব থেকে ডেপুটেশন দিয়েছি কোথাও রেশনের দাবিতে কোথাও টেস্টের দাবিতে আর কখনো হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় দিয়েছিলাম আমরা যে সব জায়গায় কারখানার শ্রমিকরা মাইনে পাচ্ছে না তাদের মাইনে দাবি এই দাবি নিয়ে মূল আমরা এসছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সময়কালের মধ্যে দাবি যে সব বেকারের কাজের দাবি গতকাল আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছে आसनसोल के मेयर एवं ब्लेशर विधायक दल तिवारी ने आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि वह स्वयं तथा उनकी पत्नी चैताली तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए तथा फिलहाल दोनों कोलकाता स्थित मेडिका अस्पताल में इलाजरत हैं। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों से अपील की है कि जो लोग विगत 10 दिनों के उनके संपर्क में आए थे वे सभी अपना टेस्ट करवा लें तथा खुद से क्वारंटीन कर लें तथा उनकी पत्नी चैताली तिवारी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शिल्पांचल के विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चन तथा हवन का सिलसिला जारी है। पांडवेश्वर ब्लॉक बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष महफूज आलम ने विधायक एवं उनकी पत्नी के लिए मजार पर दुआ मांगी। সবাই খবর পেয়েছে যে জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি আমাদের মাননীয় মেয়র এবং ওনার স্ত্রী চৈতালি তেওয়ারি দুজন কোভিড পজিটিভ হয়েছেন। তাই আজ আমরা মা ছিন্নমস্তা মন্দিরে এসেছি মাকে আরাধনা করতে, মায়ের পুজো করতে, যাতে উনি তাড়াতাড়ি ওনার পরিবার সুস্থ হয়ে আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক। আমাদের বড় দাদার মতন মেয়র উনি পরে, আগে আমাদের পরিবারের সদস্যের মতন। তাই আমরা চাই আমাদের পরিবারের সদস্য খুব জলদি সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসুক। आज मंगलवार 15 सितंबर को पश्चिम बर्धमान जिला के पांडेश्वर थाना अंतर्गत खोटाडी ओशीपी में परिवहन व्यवस्था बंद कर स्थानीय बाशिंदे ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इन लोगों का अभियोग है कि एसीएल मैनेजमेंट यहां के लोगों के प्रति अपनी कोई भी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रही है। पांडेश्वर डीवीसी से केंद्राग्राम जाने वाली रास्ता बेहाल अवस्था में है, जो किसी भी पल दुर्घटना कारण बन सकता है। श्यामला ग्राम से लेकर रामनगर 3 नंबर इलाके में विद्युत परिसेवा भी लगातार बाधित रहती है। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय तृणमूल नेता संतोष पासवान के अलावा अन्य स्थानीय लोगों ने भाग लिया। আমরা পরিবহন ব্যবস্থা আমরা বন্ধ করিনি, এখানকার যারা জনগণ তারা বন্ধ করেছে, তারা সেভাবে আমরা এসেছি। এখানকার যে ম্যানেজমেন্ট পুরো নিকম্মা ম্যানেজমেন্ট আছে, আমরা বারবার বলেছি এলাকাতে প্রবলেম আছে, ডিবিসি মোড টু কেন্দ্র অবধি রোড পুরো খারাপ আছে, রামনগর 3 নম্বর থেকে পুরো সামলা অবধি পুরো কারেন্টের পুরো ব্যবস্থা পুরো খারাপ আছে, কিন্তু এখানকার ম্যানেজমেন্ট পুরো পেহরা আছে, কিছু শুনছে না, তার জন্য আজকে বাধ্য হয় এখানকার মানুষ আজকে সাইডিং আজকে আমরা আন্দোলনে আমরা নেমেছি আমরা সবাই মিলে। এসিএল এর পক্ষ থেকে কি জানালো আপনাদের? এসিএল পক্ষ তো আপনি জানেন ভালো করে, এসিএল কত নিকম্মা আছে, এসিএল এর পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি। আর যতক্ষণ আমাদের মানে কাজ স্টার্ট করবে না, আশ্বাসন চাই না, কাজ যতক্ষণ স্টার্ট করবে না ততক্ষণ আমরা বন্ধ রাখবো। জন বাপকে বলে বলুক আমার কোনো প্রবলেম নেই, আন্দোলন চলে রাখবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে যেটা এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী যে প্যান্টগুলো খোলা হয়েছিল তাতে ডিপ্লেয়ারিং মাইনগুলোকে চালানোর কথা হচ্ছিল, তাতে রামনগর কলিয়ারি, ক্যান্ডারা কলিয়ারি, শ্যামলা কলিয়ারি এরা কিন্তু নানা রকমভাবে চক্রান্ত করে বন্ধ করে এরা শুধু প্যাঁচ থেকে কয়লা তুলবে, টাকা আদায় করবে, এইসব নানা রকম ষড়যন্ত্রের সাথে এরা লিপ্ত হবে। কিন্তু তার প্রতিবাদ করছি এবং আমাদেরকে ইমিডিয়েট যে সমস্যা ছিল জল, বিদ্যুৎ এবং যে রোডের যে ব্যবস্থা সেটাকে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করে দিতে হবে, তাছাড়া কিন্তু ডিপো খোলা হবে।
আপনারা কি এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ না? হ্যাঁ, এটা সন্তোষ পাসওয়ানের নেতৃত্বে কন্টিনিউ এই আন্দোলন থাকবে এবং আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সন্তোষ পাসওয়ানকে কেন্দ্র অঞ্চলের লোক সমর্থন করে ওর পাশে সবসময় থাকবে। কটা থেকে আন্দোলন চলছে আপনার? এটা সকাল 9টা থেকে চলছে, এটা কন্টিনিউ চলছে যতক্ষণ না প্রশাসন কোনো সমাধান না ব্যবস্থা করে। জেল ম্যানেজমেন্ট না। কি নাম আপনার? আমার নাম বাবু চট্টোপাধ্যায়। कलकत्ता हाई कोर्ट के आज एक नजीर बिन राय की घोषणा करते हुए बहुप्रतीक्षित स्कूल फीस विवाद में सोमवार को एक फैसला सुनाया गया। अदालत ने राय दी है कि सभी गैर सरकारी स्कूल का फीस संबंधित समस्या का हल के लिए एक कमेटी बनानी होगी तथा इस कमेटी में स्कूल प्रिंसिपल के अतिरिक्त 3 शिक्षक प्रतिनिधि तथा 3 अभिभावक प्रतिनिधि को रखना होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के जस्टिस संजीव बंदोपाध्याय तथा जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने यह राय सुनाते हुए कहा कि किसी भी रूप में तीनों अभिभावक के प्रतिनिधि का चुनाव किसी सिर्फ लॉटरी के माध्यम से करना होगा, जिसमें सभी क्लास के छात्र के अभिभावक हिस्सा ले सकेंगे। यह कमेटी निर्णय करेगी कि इस कोरोना काल में कौन से स्कूल कितना फी में रियायत दिया सके। साथ ही सभी गैर सरकारी स्कूलों में अपने आय व्यय का हिसाब से न्यायालय को जमा करने का निर्देश दिया।